नमस्कार। 30 मिनट्स विद पॉलिटिकल प्रशांत यानी आधे घंटे हफ्ते की किसी खास खबर पे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विवेचक प्रशांत टंडन जी से हम लोग बात कर रहे हैं शो में। और आज मैंने सोचा कि 2-3 मुद्दे एक साथ लिए जाएं। आप सबको याद होगा कि जब रफ़ाइल का मुद्दा आया था, सबसे पहले राहुल गांधी जी ने उस सवाल को उठाया था और उस समय बहुत सारा तमाशा हुआ, कोर्ट में गया, क्या क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। और इलेक्शंस के बाद कहा गया कि रफ़ाइल का कोई मुद्दा नहीं था, बिना मतलब का शोर हुआ वगैरह वगैरह। अब जब मोदी जी फ्रांस जा रहे हैं या गए हैं, तो वहाँ जाने से पहले रफ़ाइल का मुद्दा एक बार फिर उठ गया। ये मुद्दा है क्या, कैसे है, इस पर हम बात करेंगे। और प्लस जिस तरह से देश का माहौल बदलता हुआ दिख रहा है, एक तरफ मोहब्बत की दुकान है और एक तरफ सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण है उसको लगातार बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उसके बीच में होने वाला है फिर से विपक्षी दलों का एक सम्मेलन। और इस बार वो हो रहा है दक्षिण भारत में, जहां भाजपा अभी हाल में पूरी तरह से साफ हो गई है। तो राहुल गांधी की ये नई राजनीति विपक्षी एकता से क्या निकल सकता है और 2024 के चुनाव पे रफ़ाइल से लेके और इन सारे मुद्दों का क्या असर पड़ सकता है, इन सब को हम समझने की कोशिश करेंगे प्रशांत टंडन जी से। प्रशांत भाई नमस्कार। तो मोदी जी फ्रांस गए, तब तक शांति थी, ये क्या बात हुई कि फ्रांस जाने की एक तरफ से खबर आती है, दूसरी तरफ से अंबानी साहब पे खबर आ जाती है कि दिवालिया हो चुकी है उनकी कंपनी। और प्लस जो है भ्रष्टाचार में जांच के लिए, मुझे बड़ा मज़ा आया कि भ्रष्टाचार जिसके बारे में इंकार करती रही है भारत सरकार, उस भ्रष्टाचार पर जाँच के लिए भारत सरकार से सहयोग मांग लिया गया। इन सब को कैसे देखते हैं आप, अपना समय लेकर थोड़ा आराम से बताइए। देखिए, फ्रांस से अशोक दो तरीके की खबरें आई हैं। एक, फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ है, 26 नए रफेल और 3 सबमरीन खरीदने की बात हुई है वहाँ से, जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री की प्रोक्योरमेंट काउंसिल ने अप्रूवल भी दे दिया। और दूसरी खबर दो आई हैं। एक खबर तो मणिपुर की हिंसा पर यूरोपियन यूनियन में चर्चा और रेजोल्यूशन, और दूसरी एक और खबर आई जो फ्रांस जो रफेल पिछली रफेल की डील के घोटाले से जुड़ी हुई है। और ये एक संकेत आप समझिए कि इस रफेल के घोटाले की सबसे पहली खबर फ्रांस की एक वेबसाइट मीडिया पार्ट ने ब्रेक की थी। बिल्कुल। और जब मोदी जी फ्रांस के रास्ते पर थे तो एक और खबर आई। पिछले इसका बैकग्राउंड ये बता दें आपको कि पिछले साल फ्रांस में जांच चल रही है रफेल की, पिछले साल वहां पे एक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो गया जज इस मामले की जांच के लिए। यस, रफेल की इंक्वायरी की जांच के लिए एक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो गया। और वो जज जो हैं, उन्होंने जब वहां की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक्सेस करने की कोशिश की, कागज निकालने की कोशिश की जाँच के लिए, तो उनको एक्सेस नहीं मिला, उनको वहाँ पे एंट्री नहीं मिली, कागज़ नहीं दिए गए, ये कहकर कि ये दो राष्ट्रपतियों के बीच में, दो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में मामला था। उस वक्त ओलैंड थे फ्रांस के राष्ट्रपति और मौजूद राष्ट्रपति मैक्रों, ये मैक्रों साहब उस वक्त इकोनॉमिक मिनिस्टर थे ओलैंड सरकार में। अब ये हुआ कि जब वो जाँच के लिए मना कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पॉलिटिकल रीजन से, तो वो जांच अधिकारी रुके नहीं, उन्होंने जांच अपनी जारी रखी है। और उन्होंने जो 100 कंपनी है जो रफेल बनाती है उनके अधिकारियों से बातचीत की है, वहाँ की टैक्स अथॉरिटी से बातचीत की है और वहाँ की टैक्स अथॉरिटी से कागज निकाला है। वो कागज अभी आप स्क्रीन पर दिखाएंगे, वो कागज कुछ नहीं और अनिल अंबानी साहब की चिट्ठी है उस वक्त के वहाँ के फ्रांस के वित्त मंत्री को, जो अब फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और उनको टैक्स की छूट की मांग की गई। 161 मिलियन यूरो का टैक्स उनके ऊपर बनता था रफेल की डील को लेकर। 161 मिलियन यूरो
यस, तो ये 5,000 करोड़ से भी ऊपर का है शायद। तो अब अगर इसको, तो उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी, हवाला दिया भारत के प्रधानमंत्री का, और इस चिट्ठी में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो उस वक्त भारत के जो राजदूत थे फ्रांस में अरुण सिंह, उनको भी ये सीसी किया गया है, चिट्ठी उनको भी भेजी गई है। अब उस चिट्ठी मांग की गई कि साहब को टैक्स में छूट दी जाए, वो छूट मिल भी गई। तो कुल अनिल अंबानी ने जो टैक्स दिया वहाँ पे करीब 6.5 मिलियन यूरो टैक्स दिया, यानी 144 मिलियन यूरो की छूट उनको मिल गई टैक्स की। ये एक अलग घोटाला है, इसकी जांच फ्रांस में चल रही है कि ये छूट किसके कहने पर मिली, जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उस वक्त जो इकोनॉमिक मिनिस्टर थे इनका क्या रोल था मैक्रों का, और ये जांच चल रही है। फ्रांस में जो जांच चलती है वो हमारे यहाँ ईडी की तरह जांच नहीं चलती है कि जो सरकार है वो कर दे और उनको एक्सटेंशन भी दे दे, वहाँ की जांच जो है वो सरकार उसमें कुछ कर नहीं सकती। यानी आप कह रहे हैं कि वहाँ की एजेंसियाँ स्वतंत्र हैं अभी भी? काफ़ी काफ़ी स्वतंत्र हैं, पश्चिमी यूरोप में या दूसरी डेमोक्रेसीज में एजेंसी बहुत स्वतंत्र हैं। जैसे मैं एक मिसाल आपको दे दूं कि ब्राज़ील में जब ये वैक्सीन का हमारे यहाँ से गया, कोवैक्सीन का, वो वैक्सीन वहाँ गई भी नहीं, केवल एक थर्ड पार्टी को इनवॉइस रेज हो गया सिंगापुर में, और ब्राज़ील में जो है वो बोलसेरो के खिलाफ जांच शुरू हो गई राष्ट्रपति के खिलाफ जी। और केवल जांच नहीं शुरू हुई, उस जांच का लाइव टेलीकास्ट होता था उनके नेशनल टीवी पर। तो वहां बाकी दुनिया में डेमोक्रेसी बहुत आगे जा चुकी है, हमारे यहाँ पीछे जा रही है। अगर ये पूरे मामले को प्रशांत समझना हो कि इसमें असल में क्या घोटाला हुआ, अभी किस चीज की जांच चल रही है, और ये समय क्या चुना गया है या अपने आप हुआ, तो इसको आप कैसे देखेंगे? दर्शकों को अगर समझाना हो शॉर्ट में तो अपने आप तो कुछ नहीं होता अशोक, अपने आप कुछ नहीं होता। अगर आप समझिए ना कि मीडिया पार्ट ने प्रधानमंत्री के जाने के 24 घंटे पहले अगर चिट्ठी जो है पब्लिश की है, तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग है ना, पहले से तय हुआ। तो ये मैसेज देने की भी बात है, ये सिस्टम के वहाँ के फ्रांस के सिस्टम के अंदर से मैसेज देने की बात भी है कि देखिए हम आपको सामान तो बेच रहे हैं लेकिन हम ये भी कर रहे हैं। तो ये जैसे अब आप देखो, दूसरा एग्जांपल देता हूँ, अक्सर हमारे बुद्धिजीवी और पत्रकार एक नैरेटिव चलाते हैं, एक बहस चलाते हैं कि साहब अमेरिका को केवल हथियार बेचने हैं और कुछ नहीं है, सब चीज़ें इग्नोर कर देगा। लेकिन अमेरिका ने देखिए, प्रधानमंत्री मोदी गए, हथियार भी बेचे, और पहला जो अधिकारी जो बाइडेन की सरकार ने भेजा वो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट की मंत्री उजरा जिया को भेजा, जिन्होंने यहाँ पे लिंचिंग से लेकर और सीए और माइनॉरिटीज के परसिक्यूशन, उनके ऊपर प्रताड़ना, ह्यूमन राइट वायलेशन, डेमोक्रेसी, पत्रकार, प्रेस फ्रीडम, इन सब पे बात की है भारत सरकार से। और केवल भारत सरकार से बात नहीं की है, दिल्ली में एक्टिविस्ट से भी बात की है। यानी आप कह रहे हैं कि खेल गई है अमेरिका, एक तरफ आपको हथियार भेज दिया, आपसे पैसा भी ले लिया, दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर लगातार वहां बात होती है उसके तहत यहां पर अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जांच के लिए भेज भी दिया किसी को। हाँ, उसकी मोटी मोटी वजह अशोक ये है कि पश्चिम की जो डेमोक्रेसीज हैं उन वहां पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बादशाह नहीं होता, उसके ऊपर वहाँ के मीडिया का, वहाँ की सिविल सोसाइटी का, वहाँ के थिंक टैंक का, वहाँ की पब्लिक ओपिनियन का बहुत असर होता है। अमेरिका में प्रेस फ्रीडम, डेमोक्रेसी इज अ बहुत सेंसिटिव इश्यूज है जी। और इसलिए वहाँ की पब्लिक ओपिनियन को भी जो बाइडेन को एड्रेस करना है कि देखिए हम हथियार तो बेच रहे हैं लेकिन हम ये भी कर रहे हैं कि हमने डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट के मिनिस्टर को भी भेजा वहाँ पे। फ्रांस की तरफ लौटते हैं,
राहुल गांधी ने सबसे पहले रफाइल का मुद्दा उठाया था। मैंने पिछला सवाल भी वो टाइमिंग को लेके हो गया, बाकी बातें रह गई थी, रफाइल को लेके मुद्दा उठाया था। उस समय भी उन्होंने कहा था कि अंबानी की जो कंपनी है वो खिलौने का भी जहाज नहीं बना सकती, इस तरह की बातें उन्होंने की थी और इसमें भ्रष्टाचार है इसकी बातें की थी। अब जब दो तीन साल, चार साल लगभग बीत चुके हैं, तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को थोड़ा शार्ट में बता दें आप, चार पाँच मिनट लेके, कि ये क्या था और अभी कहाँ तक पहुँचा है और कैसे, क्या, किस तरह से इसको डील किया जा रहा है। देखिए, उनको एक टेक्निकल सपोर्ट के लिए कंपनी अपॉइंट करनी थी, उन्होंने अनिल अंबानी को कंपनी अपॉइंट कर दी। और जैसा राहुल गांधी ने कहा कि उनको कोई एक पेपर का हवाई जहाज, कागज का हवाई जहाज बनाने का भी तजुर्बा नहीं था। बिल्कुल, पेपर प्लेन भी कभी नहीं बनाया था अनिल अंबानी ने, और उन्होंने, और वो कंपनी बनी ही इस काम के लिए, यानी कुछ हफ्ते पहले, दो हफ्ते पहले ही वो कंपनी रजिस्टर हुई। और दो हफ्ते पहले कंपनी रजिस्टर होने के बाद वो तुरंत जो है उनको फ्रांस से ठेका मिल गया। और जब हम आप बात कर रहे हैं तो अनिल अंबानी की वो कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। आगे उस करार को कैसे वो इम्प्लीमेंट करेंगे, भगवान ही मालिक है। तो ये दूसरा कि प्राइसिंग का इशू था। हाँ। प्राइसिंग का बहुत बड़ा इशू था कि प्राइसिंग जब नेगोशिएट हो रही थी प्राइसिंग, क्योंकि पहले 126 जहाज खरीदने थे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ खरीदने थे, उसमें 100 जो है वो इन्वेस्ट करता HAL पे, और HAL में उसकी असेंबली लाइन लगती और हमारे यहाँ बनते, जैसे मिराज में मिराज बन रहे हैं हमारे यहाँ, या दूसरे मिक्स सीरीज के हवाई जहाज बनते हैं यहाँ पे, असेंबल होते हैं, तो वो असेंबली लाइन बनती, टेक्नोलॉजी हमारे पास आती, वो नहीं हुआ। और हमने सीधे सीधे उनसे रफेल ले लिए, और वो भी रफेल भी हमारी जो चारों कमांड्स हैं एयरफोर्स की, उनमें एक मिनिमम एक स्क्वाड्रन की जो कैपेसिटी उसकी होती है उसको भी डिप्लॉय करने के लिए ना काफ़ी थे, इसलिए उनको अभी 26 और लेने पड़ रहे हैं, ताकि सभी इस कमांड, एयरफोर्स की कमांड को आप बराबर दे सकें। क्योंकि हमारे यहाँ जो दूसरे जहाज चाहे मिक्स सीरीज के हों, चाहे वो हमारे यहाँ मिराज 2000 हो या सुखोई हो, ये सारे जहाज हमारी चारों एयरफोर्स की जो कमांड्स हैं उनमें बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्ट्रेटेजिकली। तो यानी जिस तरह से आप कह रहे हैं, समझ में ये आ रहा है कि असल में दाल में काला नहीं है, दाल ही पूरी काली है। एक खबर बीच में आई, सबको याद होगा कि उसके डॉक्यूमेंट जल गए थे सुप्रीम कोर्ट में दिखाने के लिए, मिसिंग थे डॉक्यूमेंट्स उसके, जब सुप्रीम कोर्ट में दिखाना था। बाकी सारा डिटेल में आपने बताया। तो राहुल गांधी जो उस समय सवाल उठा रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और कांग्रेस अब इसको क्लेम भी कर रही है कि राहुल गांधी ने पहले ही कहा था। और ये हमने देखा कि बहुत सारे मामलों में, चाहे वो कोविड का मामला हो, रफाइल का मामला हो, राहुल गांधी ने जो कहा था वो सही साबित हुआ बाद में, ये हमने बहुत स्पष्ट रूप से देखा है। और अभी स्थिति यह है कि सरकार थोड़ी सी भड़भड़ाई हुई लग रही है, मैं घबराई हुई नहीं कहूँगा, भड़भड़ाई हुई लग रही है, जैसे उसको कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि आगे किस तरह से करें। राहुल गांधी ने एक लकीर खींच दी है, लंबी लकीर खींच दी है, उसके बाद एक चुनाव भी जीत के दिखा दिया कर्नाटका में, तो पूरा और मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, मध्य प्रदेश से एक और घोटाला अभी आपने देखा, पटवारी वाला घोटाला निकल के चला आया, तो जो पूरा माहौल 2024 के पहले है, ये कहीं देश का आपको बदलता हुआ दिख रहा है, और इसमें राहुल गांधी की पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह से इंटरवीन कर रही है। मैं एक छोटी सी बात और कर दूं आपके सवाल पे आने से पहले। डिफेंस प्रोक्योरमेंट पे दो बातें बहुत अहम है। एक तो बोफोर्स का जब घोटाला खुला हमारे यहाँ, तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाया गया, उसके प्रोसीजर्स नए रखे गए ताकि चर्चा हो देश में जी, और तमाम सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो फोर्सेस के लोग हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, पत्रकार हों, अपनी बात रखें। हमारे देश में कभी ये बात नहीं होती है कि हम ये क्यों खरीद रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी का इतना बड़ा हवा खड़ा कर दिया जाता है कि जनता अपने टैक्स से सवाल नहीं पूछती है। और एक मजेदार वाकया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं CBI को लंबे समय तक मैंने कवर किया है रिपोर्टिंग के दौरान, और उस दौरान बोफोर्स को भी इन्वेस्टिगेट में कर रहा था CBI के रिपोर्टिंग के दौरान। और उस दौरान एक 90 के दशक की बात है अशोक, कि एक स्वीडन से
एक वहां के सांसद सदस्यों का सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल आया यहाँ पे। मैं उनसे मिला और मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि ये बताइए कि नोबल इंडस्ट्रीज यानी बोफोर्स बनाने वाली, बोफोर्स तो बनाने वाली जो कंपनी है वो स्वीडन की सरकारी कंपनी, पब्लिक सेक्टर की कंपनी, घोटाला खोला रेडियो ने सरकार के, तो ये कैसे हुआ? और सरकार ने, भारत सरकार ने बोफोर्स कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, नुकसान आपका हुआ, तो ये क्यों किया आप लोगों ने? उस वक्त उन संसद सदस्यों ने बताया हमको कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स की सिविल सोसाइटी में या पत्रकारों में या रेडियो के अंदर बहुत पावरफुल लॉबी है जो ये मानती है कि भारत जैसे देश को अपने बच्चों की एजुकेशन में पैसे खर्च करने चाहिए, कुपोषण से लड़ने के लिए पैसे खर्च करने चाहिए, वेलफेयर में पैसे खर्च करने चाहिए, ना कि हथियार खरीदने के लिए। इसलिए उन्होंने ब्रेक किया खबर। आप सोचिए कि उनकी सोसाइटी कैसे सोचती है। दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट है प्रोक्योरमेंट के में कि जब तक हम बहस नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि हम क्यों खरीद रहे हैं, इसका टेक्नोलॉजी पार्ट क्या होगा, आप कितने में खरीद रहे हैं, दूसरे देशों में कितने में खरीदा। दूसरी एक बात है कि नई चीज जो मोदी जी ने इन्वेंट की है वो प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट से डील कर रहे हैं, ये नॉर्मल प्रोसीजर से नहीं जा रहा कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए, फिर वो उसमें रिस्पॉन्ड हो, उसमें ट्रायल्स हो, ट्रायल्स के बाद वो स्क्रूटनी हो, स्क्रूटनी के बाद वो फिर प्राइस नेगोशिएटिंग कमेटी में जाए, उसके प्राइस नेगोशिएटिंग कमेटी बने जो कि उस पार्टी से नेगोशिएट करे कीमत पे। ये करीब एक डेढ़ साल का प्रोसेस होता है जो राफेल की पुरानी डील में हुआ था। लेकिन अब वो सीधे अगर मोदी जी वहां के राष्ट्रपति से डील कर रहे हैं तो ये सारी प्रोसेस बाईपास हो रही है। ये और ये प्रोसेस बाईपास कब की जाती है? जब आप युद्ध के समय हो, आपको तुरंत कुछ खरीदना है, कोई इमरजेंसी हो। ऐसी कोई इमरजेंसी अभी भारत में नहीं है कि हमको राफेल जो है तुरंत लेकर आने हैं। तो ये एक नई चीज है जिसमें आप 100% मानिए कि करप्शन की गुंजाइश तो है ही। अगर आपने प्रोसीजर्स को बाईपास किया है तो करप्शन होगा। ऐसे अनिल अंबानी बिना किसी एक्सपीरियंस के और नई कंपनी लेके इस डील के अंदर घुस गए थे, करप्शन है उसमें। भारत में अभी उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, बाहर की सरकार करेगी। दूसरा, आपके सवाल पे लौटता हूँ। देखिए, दो चीजें इस वक्त चल रही हैं 2024 के चुनाव में हम जा रहे हैं। बेंगलोर में जो होगा वो होगा, उस पर हम लोग अभी चर्चा कर लेंगे। मोहब्बत की दुकान और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, ये क्या है? राहुल गांधी का जो नारा है मोहब्बत की दुकान, देखिए ये बड़ा इंक्लूसिव है। और उसके पहले मैं बता दूं कि हिंदुत्व में क्या कमी है जो उनको 2024 के चुनाव में अगर एड्रेस कर पाएंगे तो कर पाएंगे, मुझे लगता नहीं। हिंदुत्व केवल और केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स है जी। हिंदुत्व का कोई आर्थिक मॉडल नहीं है। हिंदुत्व में औद्योगिकरण कैसे होगा इसका कोई अवधारणा नहीं है। हिंदुत्व में साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी इसकी कोई अवधारणा नहीं है। हिंदुत्व में इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कैसे होगी उसकी कोई अवधारणा नहीं है। सामाजिक न्याय कैसे होगा कोई अवधारणा नहीं है। विदेश नीति क्या होगी इसका कोई रोड मैप नहीं है। तो हिंदुत्व अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन बता के, एक नफरत खड़ी करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, ध्रुवीकरण की मूलतः राजनीति है ये। हाँ, और वोट के सहारे जो लोग वोट दे रहे हैं उनको भी ये नहीं मालूम है कि ये जो हमने वोट दिया है इससे हमको नौकरी कहाँ मिलेगी, शिक्षा में क्या होगा, स्वास्थ्य में क्या होगा। कभी आपको बताया किसी भी लेखक ने, किसी भी पत्रकार ने क्या हिंदुत्व को डिफाइन किया है कि हिंदुत्व की आर्थिक नीति क्या है, हिंदुत्व की औद्योगिक नीति क्या है? नहीं है। तो ये हिंदुत्व केवल और केवल एक चुनावी नारा है। तो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ला रहे हैं और राहुल गांधी की लगातार बातों को सुनिए, वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का
जॉब्स गारंटी का, एम्प्लॉयमेंट का एक मॉडल है कि औद्योगिकरण कैसे होगा, उसमें सामाजिक न्याय कैसे होगा, वो सारा कुछ उसके अंदर निहित है। तो ये दो मॉडल भारत के सामने हैं, जिस मॉडल में एक मोहब्बत की दुकान है जिसके अंदर जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है, सामाजिक न्याय है, औद्योगिकरण या कैसा औद्योगिकरण हो जो जॉब्स दे, कैसा औद्योगिकरण हो जो कि क्रोनी कैपिटलिज्म के चंगुल से अर्थनीति को छुड़ाए। यानी अगर इसको शॉर्ट में कहें तो प्रो पीपल पॉलिसी, जिसको हम लोग कहते रहे हैं कि जनता के पक्ष की पॉलिसी। हाँ, उस प्रो पीपल पॉलिसी के अंदर भी लेयर्स हैं कि औद्योगिकरण कैसे होगा, विदेश नीति क्या होगी, हम अमेरिका से कैसे डील करेंगे, हम चाइना से कैसे डील करेंगे, हमारे रशिया से संबंध कैसे होंगे। और उस बारे में राहुल गांधी बोलते रहे हैं, अभी अमेरिका में भी जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा कि रशिया से हमारी ट्रेडिशनल दोस्ती है, लेकिन हम चाइना के जो ऑटोक्रेटिक प्रोडक्शन मॉडल है जिसमें तानाशाही के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, हम इसको डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं, लोकतांत्रिकरण करके साथ प्रोडक्शन हो जिसमें कि मजदूरों के हक भी हों, जिसमें छोटे एंटरप्रेन्योर्स के इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हों और जिसमें आर्थिक विकास भी हो और रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। हिंदुत्व के अंदर अभी तक, मतलब मैं कब से 90 के दशक से हिंदुत्व को सुन रहा हूँ, आज तक मैंने हिंदुत्व के नाम पर उनकी मजदूर की नीति क्या होगी, उनकी आर्थिक पैकेज क्या है, उनका औद्योगिकरण कैसे होगा, विदेश नीति क्या होगी, ये सब खाली है। अब सवाल ये है कि देश को चुनना क्या है। देखिए, घोषणा वो भले ना करें, लेकिन चाहे मैंने सावरकर को चूंकि पढ़ा है, आप जानते हैं, उन पर किताब लिखी है, रिसर्च किया है, जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है बेसिकली वो क्रोनी कैपिटलिज्म की ही पॉलिसी है, अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है, जहां वो कहते हैं कि नौकरी सिर्फ योग्यता पे मिलेगी। आप जानते हैं कि ये एंटी रिजर्वेशन एक अपने आप में बयान है। तो वो पूरी पॉलिसी और बाकी प्रैक्टिस में तो हम देख ही रहे हैं, पिछले 9 साल से तो कम से कम हम प्रैक्टिस में देख ही रहे हैं। और फांसीवाद की, प्रशांत, एक परिभाषा हम सब ने पढ़ी हुई है कि धार्मिक कट्टरपंथ के साए में जो क्रोनी कैपिटलिज्म है वो पलता रहता है, जो सिस्टम्स हैं, जैसा राफ़ाइल का भी हम लोग बात कर रहे थे कि सारे बाईपास कर दिए जाते हैं, तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम, चेक्स बने होते हैं, न्याय की जो अवधारणा होती है, उन सब पर एक शैडो बैन लगा दिया जाता है नेशनलिज्म के नारे के अंदर, और उसके नीचे थोड़े से जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनको जितना लाभ पहुंचाया जा सकता है उतना लाभ पहुंचाने की कोशिश किया जाता है। तो फांसीवाद भी एक तरह का कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म माइनस डेमोक्रेसी। जैसे आपने यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की कि कैपिटलिज्म वहाँ भी है लेकिन डेमोक्रेसी है, तो चेक्स एंड बैलेंसेस साथ में चलते रहते हैं। फासिज्म इज़ कैपिटलिज्म माइनस डेमोक्रेसी। तो भले वो घोषणा ना करें, उनकी नीति बिल्कुल सामने है, मैं आपको बहुत गौर से सुन रहा था तो मुझे लगा कि ये बात उसमें आनी चाहिए। तो आगे का रास्ता आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस का और विपक्ष का? बिल्कुल आगे के रास्ते की बात करेंगे, लेकिन एक बात मैं जोड़ दूं इसी में। बिल्कुल, आप देखिए कि लोग अक्सर बात करते हैं कि आरएसएस बड़ा काम करती है, लेकिन 90 साल तक की सरकार नहीं बना पाए, और 90 साल तक सरकार कब बना पाए जिसकी बात आप कर रहे हैं, कि जब इन्होंने क्रोनी कैपिटलिज्म से हाथ मिलाया। याद कीजिए कि आडवाणी जी जब रथ यात्रा लेकर चले थे अयोध्या के लिए सोमनाथ से, तो उनके दाएं बाएं अडानी अंबानी नहीं थे, इसलिए वो रथ यात्रा के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाए। बड़ी बात है ये। लेकिन मोदी साहब ने अपना कैंपेन शुरू किया तो जिस हवाई जहाज में वो यात्रा कर रहे थे उस पर अडानी लिखा हुआ था। तो ये जो आरएसएस अब कामयाब हुई है वो कैपिटलिस्ट के जरिए कामयाब हुई है जब उन्होंने हाथ मिलाया है, और इनकी ऑक्सीजन भी वहीं से आती है। जब तक आप क्रोनी कैपिटलिज्म के हित साध रहे हैं तब तक ही वो आपके साथ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा चीज आगे का रास्ता, देखिए ये देश की जनता को समझना होगा, तमाम बुद्धिजीवियों को समझना होगा जो कि ओपिनियन बिल्ड करने का यानी राय बनाने का काम करते हैं, कि देश के हित में क्या है। आज हम जहाँ पे खड़े हैं, हमारे देश में सब कुछ है, रिसोर्सेज हैं,
हर तरीके की जलवायु है, ग्लेशियर से लेकर रेगिस्तान सब है यहाँ पे, हर तरीके की स्किल के लोग हैं, कैपिटल है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ हमारे पास। जरूरत कहाँ पे, बिल्कुल हमारा हवाई जहाज जो है रनवे पर है, हम बिल्कुल टेक ऑफ करने को तैयार है किसी भी विकसित देश के लिए बराबरी करने के लिए। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, दो चीज की जरूरत है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग जवाबदेह गवर्नेंस यानी हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और दूसरा वो दूसरा जो इसमें निहित है इनोवेशंस। हमारे यहाँ इनोवेशंस नहीं हो रहे। जब हम यहाँ पे लिंचिंग कर रहे हैं तब अमेरिका में जो लोग हैं वो चैट जीपीटी बना रहे हैं, है ना। जब हम मंदिर मस्जिद की प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहां गूगल बन रहा था, फेसबुक बन रहा था, ट्विटर बन रहा था। तो ये हमको ये रोकना पड़ेगा, तब हमारा जहाज टेक ऑफ करेगा। ये भारत की जनता को सोचना होगा कि हमको जरूरत इनोवेशंस की है, कि चैट जीपीटी के बाद जो नए इनोवेशंस आए वो भारत में हो। अभी क्या हो रहा है कि चैट जीपीटी एक आ गया, आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन, हम उसमें यूट्यूब के ट्यूटोरियल बना रहे। हमारे जो है वो ट्यूटोरियल बना रहे, तो उसको लेकर हम क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे। और कई बार इस तरह की चीजें हैं जो है भारतीय ही डेवलप कर रहे हैं लेकिन अमेरिका में जाके डेवलप कर रहे हैं, यहाँ क्योंकि उनको वहां क्यों डेवलप कर पा रहे हैं, वहां उनको मौके हैं, मौके वहां का सिस्टम ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट दे रही है, वहां का सिस्टम इंक्लूसिव है। वो गोरा काला देखकर, वो इंडियन या नॉन इंडियन देखकर बैंक उनका लोन देने से मना नहीं कर रहा है, मकान देने से, जात धर्म देख के मकान देने से मना नहीं कर रहे, मना नहीं कर रहा। वो जहां मर्जी आए रह रहे हैं, जहां मर्जी आए काम कर रहे हैं। एक बड़ा फर्क यहाँ पे आता है कि हम हमारे पास इनोवेशंस के लिए सब कुछ तैयार है लेकिन हमको जमीन चाहिए, ठहराव चाहिए देश को। और दूसरे जो आगे की राजनीति है, देखिए बेंगलोर में मुझे लगता है पार्टियों का जो कुनबा है वो बढ़ रहा है, 21 पार्टियां हो गई है उसमें, या और ज़्यादा भी बढ़ जाएंगे जब तक मैं बेंगलोर जाऊँगा। और वहाँ पे जो चीज़ें फ्रेमवर्क निकल कर आएगा, एक रोड मैप निकल कर आएगा, एक तस्वीर दिखाई देगी। अभी तक तो बात हो रही विपक्षी एकता, लेकिन विपक्षी एकता क्या हो, उनका प्रोग्राम क्या है, नेता क्या है, करेंगे क्या, नारा क्या है। मुझे लगता है कि बेंगलोर के बाद इन विपक्षी पार्टियों को बहुत डेफिनेट पॉलिसी, प्रोग्राम, चेहरे, नाम, सेक्रेटरिएट, इन सब के साथ आना पड़ेगा, आना चाहिए। देखते हैं बेंगलोर में अगर वो आ जाता है तो समय बड़ा कम है इन लोगों के पास, अब समय बड़ा कम है। हालांकि एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि 1977 में जब इंदिरा गांधी हारी थी तो जनता पार्टी इमरजेंसी हटने के बाद 30 दिन मौका था उनके पास, 30 दिन के अंदर जनता पार्टी बनी थी, चुनाव आ गए थे, तो 30 दिन के अंदर जनता पार्टी बन गई, चुनाव हो गए, वो जीत गई, इंदिरा गांधी अपना इलेक्शन भी हार गई। तो 3 साल के अंदर जो है टूट फूट के बिखर भी गए, हार भी के खत्म हो गए। हाँ, वो हम जानते हैं कि क्यों बिखर गए, और वही काम अभी राहुल गांधी के साथ किया जा रहा है कि उनको मकान छीन लिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छीन लिया, उनका मुकदमा है, जेल जाने की नौबत खड़ी कर दी उनके सामने, ये यहाँ भी अब हो रहा है। और जो बात हम लोग हिंदुत्व की जो कर रहे थे उसमें एक बात और मैं जोड़ दूँ कि देखिए वो राजा और प्रजा का सिस्टम है, और आप मोदी जी का भाषण कभी भी सुनिए, जब कोई नया कुछ अनाउंस भी करते हैं वो, तो वो कहते हैं मैंने दिया। अरे भाई, आपके अपनी एलआईसी तोड़ के दे रहे हो, जनता का पैसा था, मैंने दिया, मोदी ने ये किया। वो जो राजा और प्रजा का जो एक सिस्टम है हिंदुत्व में, उसको वो रीइन्फोर्स करते हैं बार बार कि आप जनता का हक नहीं है, आपको बोलने का हक नहीं है, आपको मांगने का हक नहीं है, आपको बोलने का हक नहीं है, आपको ये तय करने का हक नहीं है कि फ्लाईओवर कहाँ बनेगा, स्कूल कहाँ बनेगा, कॉलेज कहाँ बनेगा। मैंने दिया, जो मैंने दिया वो आपको स्वीकार करना है।
वही जो जनता का हक है उसको भीख की तरह देने की कोशिश होती है, वो पूरा जो ग्रैंडर क्रिएट किया जाता है, जो भव्यता क्रिएट की जाती है, वो ऐसे ही कि जैसे कोई महान राजा अपनी प्रजा को थोड़ा बहुत जो है गिफ्ट दे रहा हो, इतने लोगों को भोजन दिया, जबकि वो हमारे ही पैसे का होता है, हमारे टैक्स पेयर के पैसे का होता है, हमारे हक छीन लिए जाते हैं, इसलिए हमको भीख दी जाती है, ये बात समझना मुश्किल होता है। तो 30 मिनट्स विद पॉलिटिकल प्रशांत में हमने बात की रफ़ाइल की, हमने बात की राहुल गांधी की नई राजनीति की, हमने बात की विपक्षी एकता की कोशिशों की और उसके क्या असरात हो सकते हैं इन पर। प्रशांत बैंगलोर जा रहे हैं, देखेंगे वहाँ पर, ऑब्जर्व करेंगे सारी चीज़ों को, और इससे थोड़ा लाभ हमारा ये होगा कि अगली बार जब हम बैठेंगे तो बैंगलोर में क्या हुआ है, उससे क्या उम्मीद की जानी चाहिए और वो रास्ता किधर जाएगा, इन सारी बातों पर प्रशांत से हमको एक इनसाइड स्टोरी जो है वो मिल पाएगी। तो अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे बैंगलोर में जो कुछ होता है उस पर बात करने की, और उसके अलावा भी जो नए डेवलपमेंट्स होंगे उन पर बात करने के लिए। इस हफ्ते के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया प्रशांत। इस तरह के चैनल्स किसी सरकारी सहायता से नहीं चलते, किसी पार्टी की सहायता से नहीं चलते, या आपकी सहायता से चलते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस देखते हुए लगता है कि ये चैनल जिंदा रहना चाहिए, इस चैनल को सहयोग किया जाना चाहिए, तो बहुत सारे तरीके हैं। इस वीडियो के ठीक नीचे एक ऑप्शन आपके सामने आ रहा होगा ज्वाइन का, उसको क्लिक करके 89 रुपीज पर मंथ के सहयोग से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें कई सारी अलग से सुविधाएं हम देते हैं अपने मेंबर्स को। इसके अलावा जो वीडियो आपको पसंद आता है, आप देखेंगे उसके नीचे डॉलर का एक चिन्ह होता है, उसको दबाकर आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, हमारी वीडियोस को लोगों से शेयर कर सकते हैं, और जैसा मैंने कहा सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। तो आप हमसे जुड़े रहें, हमारी कोशिश होगी कि हम लगातार ज़रूरी बातों पर, इतिहास की ज़रूरी बातों पर, वर्तमान की ज़रूरी बातों पर सच कहते रहें। शुक्रिया।